नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका और हम सब का प्यारा YouTube चैनल सनशाइन ग्लोबल स्टार में। इस चैनल में आपको हेल्थ रिलेटेड जानकारियां मिलती हैं। आज मैं बात करूंगा लेडीज़ में मंथली पीरियड्स के पेन के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो दर्द से निजात पा लेंगे। कुछ महिलाओं में पीरियड में दर्द बहुत कम होता है तो कुछ में बर्दाश्त से बाहर। मैं बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। पहला नुस्खा है तुलसी। तुलसी एक नेचुरल पेन किलर के रूप में माना जाता है। ये अभी सभी के घरों में पाया जाता है। आपको करना क्या है, एक कप पानी लेंगे और उसमें दो तीन तुलसी के पत्ते को डाल देंगे और उसे 5 मिनट अच्छी तरह से उबाल लें। जब वो उबल जाए तो उसको पानी को अलग कर लें और उसको आप 3 बार दिन में पिएं। अगर आपके घर में तुलसी ना हो तो मार्केट में आयुर्वेदिक तुलसी ड्रॉप भी अवेलेबल है, आप उसको भी गर्म पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। सौंफ। सौंफ ओवरीज तक ब्लड सर्कुलेट करने में बहुत ही मदद करती है। सबसे पहले आपको एक कप पानी लेना है और एक चम्मच सौंफ उसमें डाल दें। आप चाहें तो सौंफ को पहले पीस भी सकते हैं और पीस के उसको उबालें और गरम गरम पिएं। सौंफ से आपको आराम मिलेगा। और अगली रेमेडी है दालचीनी। पीरियड के समय में बहुत सी महिलाओं को पेट का मरोड़ना यानी एब्डोमन क्रैम्प्स का प्रॉब्लम होता है। इसे यूज़ करने के लिए हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाकर पिएं। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, अगर उसको ठीक करना चाहते हैं तो थोड़ी सी शहद भी आप मिला सकते हैं। इसे दिन में 1 बार ही पिए। अगर आपको दर्द ज़्यादा महसूस होता है तो तुलसी, अदरक, सौंफ और दालचीनी तीनों को मिलाकर एक काढ़ा बना लें और उसे भी पी सकते हैं। अगर आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करती हैं तो पीरियड पेन से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें।